हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड सेफ। माय नेम इज रवि शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल हैकर फैक्ट्री। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं गूगल की कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि हमें इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी वो एडवांस टेक्निक्स हैं और उनको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज अबाउट गूगल हैकिंग डेटाबेस। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ टू हैक द गूगल, बट हाउ टू यूज एडवांस टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन। तो ये हम कैसे करेंगे, वो हम यूज करेंगे गूगल डॉक्स। नो, इट्स नॉट डॉक्स, इट्स डॉर्क। सो गूगल डॉक्स हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या गूगल डॉर्क है, कैसे हम यूज करते हैं उनका और कैसे इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं और क्या हम चीजें कर सकते हैं उनके थ्रू। लाइक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वल्नरेबल वेब सर्वर्स हो गए या एसक्यूएल डंप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफॉल्ट पेजेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल्स, ऑनलाइन वेबकैम्स, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग गूगल डॉक्स। तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे कि हम बात कर रहे थे गूगल डॉक्स के बारे में और गूगल हैकिंग डेटाबेस जो कि सेम चीज है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई हैव मेंशन सम ऑफ द गूगल डॉक्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है, काफी तरह की इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं डॉक के थ्रू। तो जैसे कि कुछ पॉपुलर गूगल डॉक है, यहाँ पे फाइल टाइप मैंने मेंशन किया हुआ है, इन यूआरएल, साइट, इन टाइटल, फोन बुक है, कैशे है, ऐसे और भी काफी गूगल डॉक है जो कि काफी तरह की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल टाइप से, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। बेसिकली फाइल टाइप है क्या, फाइल टाइप बेसिकली एक ऐसा गूगल डॉक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग एनी एक्सटेंशन, लाइक किस कोई भी एक्सटेंशन का यूज करके, लाइक फाइल टाइप में हम ऐड कर सकते हैं एक्सेल हो या फिर डॉक हो या पीडीएफ हो, हमें किस तरह का डेटा चाहिए हम हम कोई भी एक्सटेंशन यूज करेंगे और उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग वी कैन आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने यहाँ लिखा यूज टू सर्च एनी काइंड ऑफ फाइल टाइप और फाइल एक्सटेंशन लाइक पीडीएफ, डॉक, एक्सेल। तो अभी जैसे कि हम ट्राई करते हैं यहाँ पे चल के आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फाइल टाइप मेंशन करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्च करनी है चीज़, लाइक कोई पीडीएफ आपको सर्च करनी है, एनमैप की पीडीएफ आपको सर्च करनी है। अब जब नॉर्मली आप जब ये यहाँ पे मेंशन करते हो ऐसे एनमैप पीडीएफ राइट, तो आपको ये चीज चाहिए, तो आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे सबसे पहले आप रिजल्ट्स चेक करो, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं हमारे पास। और क्या वो सारे रिजल्ट जो है वो पीडीएफ हमें दे रहे हैं या फिर क्या है वो, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट लिंक जो है वो पीडीएफ का है, सेकेंड एक नॉर्मल वेबसाइट का लिंक है जो कि एनमैप की है और उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर पीडीएफ है, फिर पीडीएफ है राइट, फिर एक अगेन एक लिंक है, वेबसाइट है, फिर एक वेबसाइट है। तो ये तो होगी एक नॉर्मल सर्च जो कि लोग करते हैं, बट हमें एज ए स्मार्ट सर्च करना है और आइडेंटिफाई करनी है इन्फॉर्मेशन, तभी हम गूगल डॉक्स का यूज करते हैं। तो अभी जैसे कि मैं फाइल टाइप की बात कर रहा हूँ, अब मैं सेम चीज अगर फाइल टाइप यूज करूँ और आइडेंटिफाई करके देखूँ इन्फॉर्मेशन और देखूँ क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी तो मेरे पास ये रिजल्ट हैं, लेट्स ट्राई टू यूज फाइल टाइप। अब मैं यहाँ पे फाइल टाइप मेंशन करता हूँ, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, और अब मुझे एनमैप की कमांड्स चाहिए, एनमैप की पीडीएफ चाहिए। तो सिंपली मैं ऐसे कमांड अभी एनमैप लिखता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो लिंक है, सबसे पहले तो हम रिजल्ट्स देखते हैं कि काफी कम हो गए रिजल्ट पहले से। और ये जो फर्स्ट लिंक है दिस इज पीडीएफ, सेकेंड आप पीडीएफ देख सकते हो, थर्ड पीडीएफ, फोर्थ एंड पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ। तो मैक्सिमम जो लिंक है, ऑलमोस्ट ऑल द लिंक्स, ऑल द लिंक्स कंटेनिंग द पीडीएफ फाइल्स। तो ये होगा एक तरह से आपका स्मार्ट सर्च करना, स्मार्ट रिसर्च करना, कैसे आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो चीज आपको एक्यूरेट चाहिए वही आपको मिलेगी। तो ये एक स्मार्ट सर्चिंग है, गूगल डॉक्स का आप यूज कर सकते हो। और अभी तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पीडीएफ, यू विल गो थ्रू द पीडीएफ लिंक। तो ये था हमारा फाइल टाइप। ऐसे आप कुछ और भी सर्च कर सकते हो, फाइल टाइप की जगह आप कोई एक्सटेंशन अलग से लगा लो, जैसे कि आपको एक्सेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये आप देख सकते हो।
तो पूरी जो एक्सटेंशंस रहेंगी वो एक्सेलएस की रहेंगी, मींस एक्सेल फाइल की होंगी। ऐसे आप डॉक मींस डॉक्स डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप चेंज करके देख सकते हो जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, फाइल टाइप के साथ जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए, जिस एक्सटेंशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन यूज दैट एक्सटेंशन। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर फाइल पर्टिकुलर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमारा तो ये था फाइल टाइप। आगे हमारे पास इन यूआरएल है। इन यूआरएल एक बहुत ही पॉपुलर गूगल डॉक है, इसके थ्रू आप काफी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन वेबकैम्स देख सकते हो या फिर वल्नरेबल वेब सर्वर्स की डिटेल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसी काफी इन्फॉर्मेशन जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन यूआरएल गूगल डॉक का यूज करके। तो जैसे कि अभी तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया यूज टू सर्च ए कीवर्ड, तो सिंपली व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे जैसे कि इन यूआरएल सिंपली लिखता हूँ एंड यू कैन जस्ट राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली भी इन यूआरएल लिखा ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट बन के आगे सर्च बार में, तो आप इसमें से भी कोई काफी चीजें यूज कर सकते हो। बट अभी जैसे कि मैं एक सिंगल कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मुझे यूजर एक कीवर्ड सर्च करना है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर यूजर एडमिन पासवर्ड। तो सिंपली ये सब जो चीजें हैं, तो ये सिंगल एक यूजर की डिटेल और कहाँ कहाँ यूजर जो यूजर कीवर्ड जो यूजर है वो सब हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। जैसे कि यूजर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर एक लिंक में आपको यूजर मिल जाएगा। बट हमें इससे काफी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है और कैसे यूज करना है ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, और भी कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गूगल डॉक के थ्रू। अब जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास साइट। साइट इज ऑल्सो अगेन हम इंफॉर्मेशन या लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में, जो भी आपको आइडेंटिफाई करना है थ्रू आउट फ्रॉम द डोमेन्स और सब डोमेन्स। तो जैसे कि सिंपली मैं अभी साइट का यूज करता हूँ यहाँ पे, लाइक मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर एक नेटवर्क सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो और मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूडमी, तो सिंपली आई कैन राइट हेयर साइट कॉलन, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नेम जैसे udemy.com एंड स्पेस, यहाँ पे आपको अपने टॉपिक जो आपको सर्च करना है दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जितने भी कोर्सेज होंगे यूडमी में नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आपके पास सर्च में आ जाएंगे। तो ऐसे आप कंप्लीटली आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कोर्सेज, तो उसी हिसाब से ये हम सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर साइट डॉक्स का यूज करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रही है। ऐसे ही आगे हमारे पास इन टाइटल है, तो इन टाइटल जो गूगल डॉक है इससे भी हम इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक इसका यूज कर सकते हैं हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं इनसाइड द टाइटल, जो भी हमारे लाइक वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें रहेंगी जो हम सर्च करेंगे वो हमें वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके देगा ये इन टाइटल। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, लाइक सिंपली यू कैन राइट हियर इन टाइटल कॉलन। अब मुझे जैसे कि आइडेंटिफाई करना है लॉग इन पेज, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉग इन पेज लिख देता हूँ और हिट एंटर। तो ये जितने भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप जहाँ पे भी लॉग इन पेज होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल सर्च ऑल दोज आइटम्स, राइट। तो इस तरह से आप इन टाइटल का यूज कर सकते हो। और तो ऐसे ही हमारे पास एक फोन बुक है जो दिस इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई फोन बुक एड्रेस इन एनी ऑफ द डोमेन, जिस किसी वेबसाइट के अंदर जो भी फोन रिलेटेड या कॉन्टैक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये आइडेंटिफाई करके देता है। तो सिंपली बहुत ईजी है ये भी यूज करना है, सिंपल आपको यहाँ पे फोन बुक लिखना है एंड जो जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट हो या फिर आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, जैसे कि कंट्री वाइज भी आ सकता है वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉल मैं करके यहाँ पे आप वेबसाइट का नेम डाल दो जिसका भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ या google.com जो भी है,
तो ये हमेशा डायरेक्टली आपको देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस या जहाँ पे ये मैच करेगा फोन बुक एड्रेस, तो वहाँ पे ही आपको लोकेट कर देगा पेजेस जो भी होंगे। तो ऐसे आप फोन बुक का फोन बुक जो डॉक्स है वो भी आप यूज कर सकते हो। हमारे पास ऐसे आगे हैं लाइक कैशे है, तो कैशे वर्जन आप देख सकते हो वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का कैशे वर्जन चेक कर सकते हो यूजिंग बाय दिस पर्टिकुलर कैशे गूगल डॉक। एंड और भी हैं हमारे पास काफ़ी डॉक लाइक इन टेक्स्ट है, ऑल इन टेक्स्ट है, ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल इन टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड कॉलन मुझे जैसे कि इन्फॉर्मेशन चाहिए काली लिनक्स के, आई कैन जस्ट राइट है काली लिनक्स टूल्स, तो ये मैंने मेंशन किया, तो ये सिंपली वहाँ से सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास काली में जितने भी टूल्स हैं वो सब चीज़ें मैच करेगा और हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर ऑल इन टेक्स्ट भी है या फिर सिंगली वाई यू कैन यूज इन टेक्स्ट पर्टिकुलर वर्ड एंड सो दीज आर बेसिकली पर्टिकुलर गूगल डॉक। और इसके अलावा लाइक एज ए ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो इनको, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार है जो वाइल्ड कार्ड के लिए यूज होता है, राइट, पाइप इज देयर, मल्टीपल गूगल डॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं एक साथ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ करके। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे काफ़ी ऐसी चीज़ें लाइक आप लॉग्स वगैरह इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, वेब सर्वर्स आप देख सकते हो, एसक्यूएल डेटा देख सकते हो जो भी है वेबसाइट पे, या फिर एफटीपी, या फिर हमारा कोई ऐसा कोई पेज तो नहीं वर्डप्रेस का एडमिन पेज, वो आप चेक कर सकते, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हो, ईमेल्स एड्रेसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसे कुछ जो डॉक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ कि हमें एक पर्टिकुलर लॉगिन पासवर्ड ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन जस्ट यूज द वाइल्ड कार्ड एंट्री एज वेल, सॉरी जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड डॉक, वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एक ये है मेरे पास, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये लिख सकता हूँ और आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब ये सर्च कर रहा है फाइल टाइप एक्सटेंशन दैट इज एक्सलेस, जितने भी इसको शीट मिलेगी वो सारे की दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी ओपन करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। मोस्टली आप हमने सर्च किया लॉग इन पासवर्ड, तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉग इन पासवर्ड रिलेटेड डिटेल। और सिंपली जैसे कि यहाँ पे आप ये नहीं लिखना है आपको, अगर आप वाइल्ड कार्ड आपको यूज नहीं करना देन यू कैन सिंपली राइट हेयर ईमेल पासवर्ड, या फिर आपको यूजर नेम चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा एक्सेल में, तो ये आप ओपन करके देखोगे तो डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, अगर जैसे लिखा हुआ है हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड और उसका नाम जॉन स्मिथ एंड देयर ईमेल एड्रेसेस, हमने जैसे ये सर्च किया है, तो अगर आप इस एक्सेल को ओपन करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड किया और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है यहाँ पे, और भी चीजें चेक कर सकते हो दिस वन, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये तो होगी हमारी लॉग इन पासवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन। अब मैंने जैसे कि लॉग्स की बात करी थी, तो लॉग्स की इन्फॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करनी है तो किस तरह के लॉग्स आपको, एडमिन लॉग्स चाहिए या फिर आपको पासवर्ड रिलेटेड लॉग्स चाहिए, किसी भी तरह के लॉग्स चाहिए, तो आपको यू कैन जस्ट राइट हेयर अगेन फाइल टाइप एंड लॉग इज बेसिकली आई एम सर्चिंग फॉर लॉग्स और इन यूआरएल। ये हो गए हमारे दो पर्टिकुलर डॉक जो मैं यूज कर रहा हूँ एक साथ, तो आप ये भी देख सकते हो दो से तीन आपकी मर्जी है, मल्टीपल आप डॉक यूज कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड यू कैन सी सम ऑफ द लॉग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये देख सकते हो आप। तो इन पे आप विजिट करोगे तो डेफिनेटली विल गेट मोर इंफॉर्मेशन, ऐसे आप लॉग्स की इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। मैं हर एक वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा बट हाँ आप चेक करके देख सकते हो ये और कैसे ये यूज किया डॉक, ये आप देख सकते हो। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा हाई फाई काम नहीं है, सिंपली आप यूज करोगे इस चीज को। देन आप और भी काफी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डिवाइसेस सर्च करने हैं तो ये यूज कर सकते हो आप। अब मैं जैसे कि बात करता हूँ इन यूआरएल के बारे में, और तो अब जैसे कि मुझे ऑनलाइन वेबकैम्स के बारे में देखना है,
जो भी हैं, तो इन यूआरएल आप सर्च कर सकते हो एंड देयर इज अ व्यू लाइक स्लैश व्यू, तो यहाँ पे आप स्लैश व्यू पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ वेबकैम्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये है एक लिंक मेरे पास, तो इस पर मैं क्लिक करके ओपन करके देख सकता हूँ। ऐसे ही और भी है, जैसे कि आप ये भी सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नियर मी होटल रूम्स, इन सब पे नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है, बट हाँ पर्टिकुलर आपको जो चीज चाहिए वो आप सर्च करके देख सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ इन यूआरएल टॉप एचटीएमएल, जो भी हमारा वेबसाइट सॉरी वेबकैम का लिंक होगा तो यहाँ पे हमें दिखाएगा वो लाइक दिस वन। मोस्टली जो आईपी पे मिलेंगे आपको चलते हुए, जैसे मैंने एक पे क्लिक किया है तो ये एक वेबसाइट सॉरी एक वेबकैम ओपन हुआ है राइट, तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे अंधेरा है, तो ऐसे आप देख सकते हो चेक कर सकते हो चीजों को, वेबकैम्स हो गए या फिर अब मैं और भी यूआरएल का यूज करता हूँ, जैसे कि मुझे पर्टिकुलर कोई वेब सर्वर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन यूआरएल एंड यू कैन जस्ट यूज स्लैश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाइक इंटरनेट की आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, एडमिन रिलेटेड चेक करनी चीजें या फिर वेब सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी, तो यू कैन यूज दिस वन। तो यहाँ पे आपको काफी वेब सर्वर्स मिल जाएंगे, वेब सर्वर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वल्नरेबल वेब सर्वर्स भी हो सकते हैं, ऐसी काफी चीजें हैं, आप क्लिक करके देख सकते हो, ओपन करके देख सकते हो, दिस वन इज आल्सो देयर समथिंग। तो ये इंटरनल सर्वर एरर है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो इंफॉर्मेशन यूज करके देख सकते हो इन डॉक्स का। ऐसे ही हमारे पास और भी गूगल डॉक हैं और भी काफी चीजें हैं लाइक आपको इन टाइटल, जैसे मैंने अभी बताया था इन टाइटल के बारे में, तो अगर आपको पर्टिकुलर वर्डप्रेस एडमिन या WP जिसको हम बोलते हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लॉगिन पेजेस, तो ये देख सकते हो आप कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वो भी देख सकते हो। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है इसमें, जैसे और भी आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रिस्ट्रिक्टेड, तो यू कैन यूज ऑल इन टाइटल एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो गूगल डॉक नेक्स्ट वन फाइल टाइप, जिसमें भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एंड यू कैन मेंशन देयर वेबसाइट जहां से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सो दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मल्टीपल डॉक जो है वो यूज हुए लाइक ऑल इन टाइटल फाइल टाइप एंड साइट, तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई मोर इंफॉर्मेशन। तो गाइज ये थे कुछ हमारे गूगल डॉक जहां से आप इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप स्मार्टली इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो using these Google Doc or we can say Google Hacking Database। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको और भी काफ़ी चीज़ें देखनी है एडवांस लेवल पे कैसे आप रिसर्च करोगे, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट दीज पर्टिकुलर Google Docs इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो एक्सप्लॉइट DB पे, यहाँ पे जाना आपको Google Hacking Database पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए आप, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो काफी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको गूगल डॉक के बारे में और कैसे कैसे यूज किया हुआ है, जैसे इन यूआरएल है, साइट है और भी काफी चीजें हैं देख सकते हो आप, और यहाँ पे बहुत सारे पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेस्ट केसेस बोल सकते हैं जिनको वो यूज किए हुए लोगों ने, तो आप देख सकते हो एंट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ एंट्रीज, किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में बताया होगा यहाँ पे क्या है, और ऐसे आप सर्च करके देख सकते हो गूगल पे इसको, दिस वन एडमिन पोर्टल, जैसे ये आ गया हमारे पास एक एडमिन पोर्टल, ऐसे आप क्लिक करके देख सकते हो इसके अंदर क्या है, कौन सा एडमिन पोर्टल है, दिस वन, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा गूगल डॉक के बारे में, और सो आई थिंक ऐसे आप काफी
तरह की इन्फॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हो, गूगल डॉक्स का यूज करके देख सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट गूगल हैकिंग डेटाबेस, गूगल डॉक क्या होते हैं, ये चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।